आज हमें समझना है कि थ्री एट्रीब्यूट्स के केस में कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जहां दो से अधिक एट्रीब्यूट्स है वहां एक तरीका तो ये हो सकता है। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी से सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप सारी की सारी 27 क्लास फ्रिक्वेंसीज आप फाइंड आउट कर लें, और अगर उनमें से कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं है तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि देखिए, क्योंकि कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं आ रही है इसलिए ये जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है। ऐसा काम हमने किया था जब टू एट्रीब्यूट जब हम पढ़ रहे थे, तो टू एट्रीब्यूट के केस में वो चीज आसान थी, केवल 9 फ्रिक्वेंसीज हमें चाहिए थी। एक टेबल अपने पास हुआ करती थी, हम उस टेबल में वैल्यूज रखते थे, मिसिंग वैल्यू फटाफट से निकालते थे और चेक कर लेते थे कि क्या कोई क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो गिवन डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, और कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब जो गिवन डेटा है वो कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो थ्री एट्रीब्यूट्स के केस में जो छोटी छोटी शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, या एक तरह से कह लीजिए कि फॉर्मूला है, ठीक है, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। मेन तो उसमें दो ही फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, और उसी दो फॉर्मूला के बेस पर ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको आपको समझना है। तो यहां हम लिखेंगे द गिवन डेटा इन केस ऑफ थ्री फ्रीक्वेंसी थ्री एट्रीब्यूट्स, द गिवन डेटा will be consistent if, ठीक है, if का मतलब अगर ये कंडीशन पूरी होती है। तो पहली कंडीशन है कि जो आपकी ए बी सी है, कोई भी हो, ए बी गामा, ठीक है, ए बीटा सी, मतलब ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसीज है, ऑल फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी, चाहे इसमें ए बी सी लिखूं, ए बी गामा लिखूं, चाहे आप सारे लिख दो, ठीक है, मतलब कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी कि वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव तो नहीं होने चाहिए ना, तो ये कंडीशन है। अच्छा, अब इसको चेक कैसे करें, इसके लिए कुछ और एडिशनल कंडीशंस हैं जिनके बेस पर आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस, कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, ऑन विच वी कैन फाइंड आउट वेदर दी डेटा आर कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, जिनके बेस पर हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो डेटा विल बी कंसिस्टेंट, एक कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप चेक करके देखना। ये वाली जो ग्रेटर देन 0, ये तो फिर सब में है, ये तो कॉमन सी बात है। इसके अलावा देखो, ए बी सी, ये लर्न कर लेना बेटा, थ्योरी में लिखने में तो बहुत काम आएंगे, आपको सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल में सिर्फ दो फॉर्मूले जो मैं बताऊं वो याद रख लेना, वो जरूरी है, थ्योरी में आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। तो ए बी सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए। ठीक है, पहली कंडीशन है कि जो ए बी सी है वो आप चेक करना, ए बी प्लस ए सी माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो ए बी गामा है, ए बीटा गामा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अदर मैं इसमें अदरवाइज क्या होगा नहीं लिख रहा, मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ इसको। अब देखो, इस बेस पर बुक्स में आपको तीन फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं इनकी ग्रुपिंग कर रहा हूँ, आप चाहे एक दो तीन करके लिख देना, लेकिन इनको ग्रुपिंग रूप में कर रहा हूं, ये एक ही ग्रुप में समझो इसको। आप इसको याद रखोगे तो इसके बेस पर दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखो, इसमें कुछ सीक्वेंस निकालो, ए बी सी है यहाँ, है ना, ए बी ए सी ए, ठीक है,
देन ए बी. अब मैं बी ले आऊं सब में बी सी ए बी बी सी माइनस बी. ए बी सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए सी, ठीक है, प्लस बी सी. अब यहां सी तो माइनस सी. तो आपने एक ध्यान रखना है ये वाला, बाकी दोनों इसके बेस पर आ जाएंगे और ये थ्योरी में लिखने के मेन काम आएंगे. न्यूमेरिकल के लिए तो खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो वैसे तो ये अब मैं लिखूंगा कंडीशन चौथी, लेकिन आपको लिए ग्रुपिंग करके लिख रहा हूं इसलिए मैं इसको लिखूंगा नंबर टू. दूसरी वाली, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि भाई ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी. एन क्या है? अभी तक जो हम समझ में आ रहे समझ रहे थे एन का मतलब हम समझ रहे थे भाई बॉयज और नॉट बॉयज, ठीक है, जिस तरह से हम क्लासिफाई करते आ रहे हैं ए लड़के, अल्फा जो लड़के नहीं है यानी कि लड़कियां. अब ए बी बॉयज जो ऑनेस्ट, ए बी बॉयज जो ऑनेस्ट नहीं है, ए बीटा हो जाएगा, ठीक है. तो अब देखो ये ए भी निकला कहां से, ए से, तो ए से बड़ा थोड़ी हो सकता है किसी भी सिचुएशन में. भाई एक बच्चे की उम्र जो है अपने पेरेंट्स की उम्र से बड़ी तो नहीं हो सकती ना किसी भी सिचुएशन में, ठीक है ना. तो ये निकला कहां से, ए से, तो ए भी ए से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है. अब आगे मैं ए बी सी की मैं बात करूं, ए बी सी. अब मैंने कहा कि देखो भाई ए लड़के थे 50, उन 50 लड़कों में से मैंने कहा कि भाई 45 बच्चे थे ऑनेस्ट, बाकी 5 ऑनेस्ट नहीं थे. अब ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है इन 45 में से 45 के 45 बच्चे सक्सेसफुल हो जाए. वो बॉयज जो ऑनेस्ट थे और वो सक्सेसफुल हो गए वो थे 45, ऐसा तो हो सकता है. चलो तो ए बी गामा बच जाएगा 0, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 45 में से 48 बच्चे सक्सेसफुल हो गए और बाकी -3 नॉट सक्सेसफुल, ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है. तो इसलिए ध्यान रखना ए बी सी निकला है ए बी में से, तो इसलिए ए बी सी ए बी से बड़ा हो ही नहीं सकता. ए बी निकला है ए से, तो ए बी ए से बड़ा हो ही नहीं सकता. ए बी बी से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो ये कॉमन सी बात है. तो ए बी शुड बी ग्रेटर देन ए बी सी, बी सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है 45 में से 45, ठीक है. बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी सी, इतने ही बना लो इस तरह के. ए सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी, ठीक है. नहीं तो जो दूसरा है वो नेगेटिव बचेगा, पॉसिबल ही नहीं है जो कि, ठीक. तो एक ही एक ग्रुपिंग होगी, इस तरह से आप लिख सकते हो. आगे चलिए, कहने को मैं एक और बना सकता हूं पेयर, जो मैं भी बोल रहा था कि ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है. ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेकिन यहां हम ध्यान रखेंगे कि थर्ड ऑर्डर, ये जो अपने कंसिस्टेंसी में कोशिश करेंगे थर्ड ऑर्डर फ्रिक्वेंसी जहां आ रही है बस वही वाले फॉर्मूले हम लें, ठीक है, उसी के बेस. तो इसके बाद ये थर्ड फॉर्मूला एक तरह से जो आपको, मतलब देखिए पहला वाला याद करना पड़ा है आपको, इसमें तो ये तो कॉमन सी बात है, याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है. अब उसके बाद जो अगला मैं लिख रहा हूं ये आप जरूर कर लेना, ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो ए बी सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस एन. ये मेन फॉर्मूला है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा. पूरे 15-16 नंबर के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं. तो ए बी सी छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? ए बी ए सी बी सी, देखो ए बी सी लिखा मैंने यहाँ बारी बारी, इसमें ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, ठीक है. और एक और याद रखना है, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए, जो भी आपके हैं, ये वाला भी याद रखना भाई, ये भी आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ए बी प्लस ए सी
प्लस बी सी, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस। इस वाले को भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझना और साइन में गलती मत करना, दो तीन बार अपने हाथ से लिखना। इस तरह से याद रखना कि भाई ए बी सी छोटा ही होएगा ए बी वालों से, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा याद करने के लिए अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। और यहाँ ए बी ए सी बी सी, ठीक है, यहाँ ये साइन आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट एक और जो हम ले सकते हैं, फिफ्थ कंडीशन, ठीक है। ये थ्योरी में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां लिखने के काम आएगी कि गिवन डेटा को कंसिस्टेंट कब कहेंगे। तो ए बी प्लस ए सी माइनस ए, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू बी सी, ए बी ए सी ए, ठीक है। ध्यान से देखो हमने क्या किया है, ए बी ए सी माइनस ए, ठीक है, ए बी यहाँ पर ए है, ए सी यहाँ पर ए है, जो दोनों में है वही है, ए हमने घटाया, शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी सी, ठीक है। और ये बारी बारी अब आ जाएगा दोबारा रिपीट करके, ए बी ये सेम रहेगा प्लस ए सी, ठीक है, एक मिनट, ए बी प्लस ए ए दोनों में ले लिए ना, अब यहाँ बी ए बी प्लस बी लेस देन और इक्वल टू यहां क्या आएगा ए सी, ठीक है, ए बी ए सी जो यहां दोनों में है ए ए वो ए हम घटा रहे हैं, और जो यहां नहीं है यानी कि ए यहां नहीं है तो यहां आएगा बी सी, ए बी बी सी माइनस बी, यहां बी है यहां बी है माइनस बी किया, तो जहां बी नहीं है बी को छोड़कर ए सी बचा वो यहां आएगा, ठीक है। और इसी तरह से एक और बन जाएगा आपका ए सी प्लस बी सी, दोनों में सी सी है माइनस सी हो गया, तो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, यहां से सी हटा दो बस ए बी। तो आप कहेंगे गिवन डेटा कंसिस्टेंट होंगे थ्री एट्रीब्यूट्स के केस में, उसका पता हम इस तरह से लगाएंगे, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो गिवन डेटा कंसिस्टेंट होंगे, अदरवाइज मैंने आपको जो फॉर्मूला नंबर थ्री और फोर बताया है इसको आप अच्छे से कर लो, इसके बेस पर ही आपका काम चल जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपके इसी तरह के आते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस बतौर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उसको देखें समझें और कितने सिंपल हैं ये भी देखें, बशर्ते आपको फिर ये टेक्निक्स है वो जरूर पता होनी चाहिए इसके लिए। सो एक इलस्ट्रेशन है इसमें, इसमें अगर आप देखें तो इलस्ट्रेशन नंबर 24 है आपके बुक में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ही हैड इंटरव्यू। तो एक इन्वेस्टिगेटर ने रीड हिंदुस्तान टाइम्स, भाई आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो 811 बच्चे 811 ये बच्चे पढ़ रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स। 752 रीड स्टेट्समैन, 752 स्टेट्समैन पढ़ रहे थे, स्टेट्समैन न्यूज़पेपर आता है। 418 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, 418 पढ़ रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको प्रेफर कर रहे थे। 510 रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड स्टेट्समैन, हिंदुस्तान टाइम्स एंड स्टेट्समैन ये दोनों पढ़ने वाले थे 518, ठीक है। और 356 रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ जी 356। और क्या है, 348 रीड स्टेट्समैन एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं, इन दोनों को पढ़ने वाले हैं भाई 348।
और 297 रीड ऑल थ्री, ठीक है, ये तीनों को पढ़ने वाले 297, ठीक है। अब ये पूछता है इज देयर हुई है उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी मौजूद है, आप कैसे चेक करेंगे। अब तरीका ये है कि भाई या तो आप सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज निकाल दो, देखो आपके पास ए है बी है, ठीक है, आप दोनों काम कर सकते हो भाई, इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है, आप सारी इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मुझे सुन पा रहे होंगे आप। तो यहां देखो हमें क्या दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है। अब मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वालों को अगर मैं ए से डिनोट करता हूँ, स्टेट्समैन पढ़ने वाले को बी से, और जो तीसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया ये पढ़ने वाले को, इस न्यूज़पेपर के पढ़ने वाले को सी से डिनोट करता हूँ, तो मुझे एन गिवन है 1000, ए मुझे गिवन है 811, बी मुझे गिवन है 752, सी गिवन है 418, ठीक है। फिर ए और बी हिंदुस्तान टाइम्स एंड स्टेट्समैन पढ़ने वाले हैं 518, और फिर मुझे दे रखा है ए सी, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले ए सी, ये हैं 356। और फिर आप यहाँ देखिए ये जो स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया बी सी, ठीक है, स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले बी सी, ये मुझे गिवन है 348। लास्ट टाइम एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किया था और उसमें यही सब फ्रीक्वेंसीज थी अपने पास, ए बी सी, ए बी ए सी बी सी, मतलब सारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज थी। तो यहाँ आप या तो आप वो कर लीजिए कि सारी की सारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल लीजिए, उसको भी गलत नहीं कह सकते, सही है वो, ठीक है, लेकिन वो नियम हर जगह लागू हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे, यहाँ फिलहाल मैं वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला काम नहीं करूंगा, आप कहें तो मैं बेशक उसको ले लूंगा इसके बाद, पर हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। द गिवन डेटा विल बी कंसिस्टेंट इफ, अब बेटा ये जरूर ध्यान रखना, ये जो दो फॉर्मूले मैंने बताए आपको काम के, ये और ये, इनमें भी जो बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मूला है ना वो ये वाला, जहां तक हो सके कोशिश करना यही वाला फॉर्मूला लगाना, ए बी सी लेस देन और इक्वल टू ए बी ए सी, क्योंकि इसमें थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी है सेकंड ऑर्डर भी है। हाँ कई बार ये नहीं होता तब हमें मजबूरी में इससे काम चलाना पड़ सकता है, तो फिलहाल तो यहाँ ए बी सी अपने पास है तो हम इसी फॉर्मूले को लगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस एन। चलिए ए बी सी कितना है, ए बी सी है, आप ये इफ जरूर साथ में लगाते रहिए। हमने क्या लिखा, गिवन डेटा कंसिस्टेंट होगा, कब होगा, इफ अगर ये कंडीशन पूरी होती है, तो इफ ए बी सी, ए बी सी है 297, लेस देन और इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी कितना है 518, ए 518 प्लस 356, बी सी है 348 प्लस 356 माइनस ए कितना था 811 माइनस बी कितना है 752 माइनस सी कितना है 418 और प्लस एन कितना है 1000। चलिए देखते हैं क्या ये कंडीशन पूरी होती है, दो लाइन का क्वेश्चन है, देखो 297 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इसके बराबर, देखो क्या उससे लेस है ये 518 प्लस 348 प्लस 356 प्लस 1000 लास्ट वाला माइनस 811 माइनस 752 माइनस 418 241। तो गिवन डेटा कंसिस्टेंट तब होता है अगर ये 297 या तो 241 से कम हो या 241, क्या लिखेंगे, विच इज नॉट ट्रू,
ये ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। हैंस द गिवन डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, सिंपल सी बात, ये आप रिप्लाई कर देंगे, हो गया क्वेश्चन, बस डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। इसी को ही करने का दूसरा तरीका हो सकता था, सारी फ्रिक्वेंसीज निकालना, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। अच्छा, कई बार क्या हो सकता है, कई बार आपको जो है केवल दो वैल्यूज जो हाँ दे रखी हो, उस तरह के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है। तो उस तरह का कौन सा हो सकता है, मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन, हाँ जी ये मिल जाएगा हमें, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में 23। A survey of 1000 companies gives the following data. Again, 1000 companies का हमने सर्वे किया है, 1000 companies. अब ये क्या बताता है सर्वे आपको? Companies with capital more than 40 lakh. ऐसी कंपनियां जिनकी कैपिटल मोर देन 40 लाख, 40 लाख से ज्यादा वाली पूंजी वाली कंपनियां, 710 कंपनी ऐसी है जिनकी पूंजी 40 लाख से अधिक है। कंपनीज मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, मेकिंग प्रॉफिट, ऐसी कंपनियां कितनी मिली? 690। कंपनीज अंडर मैनेजिंग एजेंट एंड अंडर मैनेजिंग एजेंट, जो मैनेजिंग एजेंट के अंडर, अच्छा आगे क्या है, कंपनीज विद कैपिटल मोर देन 40 लाख एंड मेकिंग प्रॉफिट, ऐसी कंपनियां जो जिनकी पूंजी 40 लाख से अधिक है और जो प्रॉफिट भी कमा रही है, यानी कि ये दोनों, ऐसी कंपनियां हैं 389। फिर कंपनीज विद कैपिटल मोर देन 40 लाख एंड अंडर मैनेजिंग एजेंट, कंपनी जो 40 लाख से अधिक की पूंजी वाली और जो मैनेजिंग एजेंट के अंडर है, ठीक है, ऐसी कितनी है? दीज आर 340। अंडर मैनेजिंग एजेंट ऐसी कंपनी है 285। पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी था कि ऑल थ्री मेकिंग प्रॉफिट एंड अंडर मैनेजिंग एजेंट, वो इंफॉर्मेशन यहां नहीं है, इसका मतलब यहां ये में कि लेट वी अज्यूम कैपिटल नंबर ऑफ कंपनीज हैविंग कैपिटल मोर देन 40 लाख डिनोटेड बाय ए, कंपनी मेकिंग प्रॉफिट डिनोटेड बाय बी, कंपनी अंडर मैनेजिंग एजेंट डिनोटेड बाय सी, ठीक है। और अब आइए इसको करते हैं शुरू, जो डेटा है उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। एन हमें गिवन है 1000, ए कंपनी हैविंग कैपिटल मोर देन 40 लाख, these are 710, फिर कंपनी मेकिंग प्रॉफिट यानी कि ये बी हो गया 690, कंपनी अंडर मैनेजिंग एजेंट सी 627, नेक्स्ट देखिए कंपनी मोर हैविंग कैपिटल मोर देन 40 लाख, ठीक है, एंड मेकिंग प्रॉफिट यानी कि ए बी 389, फिर नेक्स्ट क्या है, कंपनीज जो है मेकिंग प्रॉफिट एंड अंडर मैनेजिंग एजेंट, ठीक है, यानी कि बी सी 285, और ये वाला देखो कंपनीज कैपिटल मोर देन 40 लाख एंड अंडर मैनेजिंग एजेंट यानी कि ए सी, ये है 340, ए बी सी नहीं है यहाँ, तो यहाँ वो 27 सारी फ्रिक्वेंसीज निकालने वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जब तक हमें कोई भी एक ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी हो थर्ड ऑर्डर की, तो हम बाकी सारी निकाल ही नहीं सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन, यहाँ पूछा है शो दैट द इंफॉर्मेशन वेदर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, इंफॉर्मेशन गिवन, गिवन डेटा विल बी कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट, कब होगा भाई? अब यहाँ देखो वो एबीसी वाला जो है वो लागू नहीं हो पाएगा, या हमें
लागू करना पड़ेगा ये वाला जो अल्टरनेट फॉर्मूला था, ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए बी है 389 प्लस 285 प्लस 340 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए यानी कि 710 बी यानी कि 690 सी यानी कि 627 माइनस एन यानी कि 1000 185 जोड़ो 389 प्लस 285 प्लस 340 तो 10 या इफ लगा करें ना भाई ये कब होगा अगर ऐसा अगर ऐसा अगर ऐसा इफ 1014 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 701 प्लस 690 प्लस 627 माइनस 1000 तो अगर 1014 या तो बड़ा हो या बराबर हो अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता 1014 1027 से बड़ा कैसे होगा ठीक है विच इज नॉट पॉसिबल एंस द गिवन डेटा इज इनकरेक्ट ये जो गिवन डेटा है वो इनकरेक्ट तो वे इस तरह से कंसिस्टेंसीज के क्वेश्चन आते हैं और काफी आए हुए हैं ठीक है क्रिएटिव जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो उस तरह के आते हैं दूसरा कंसिस्टेंसी के और तीसरी कैटेगरी रहेगी पार्शियल एसोसिएशन वैसे इसके चांसेस बहुत कम है बहुत कम आए हैं क्वेश्चन कभी आए नहीं लिखा है मैं बट फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ पार्शियल एसोसिएशन कैसे निकालना बहुत सिंपल है तो हमने जैसे मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊं कि ए और बी के बीच में एसोसिएशन कैसे निकाला था एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ठीक है टू एट्रीब्यूट्स के केस में हमने किस तरह से फाइंड आउट किया तो भाई आपका एक तो ये फॉर्मूला था शॉर्टकट वाला जिसमें आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन किया था अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ ठीक है ए बी और कंपैरिजन किया था ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई ले रहा हूँ बाकी तो मैंने आपको 5 बताए थे तो दूसरा मेथड जो आपका यूल वाला था वो आपने कैसे लिखा था यूल्स वाले में आपने लिखा था Q इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई अल्फा बीटा माइनस ए बी बीटा अल्फा बी डिवाइडेड बाई ए बी अल्फा बीटा ठीक है ए बीटा अल्फा बी ऐसे करते थे अब 3 एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पार्शियल एसोसिएशन निकाल रहे हैं या मल्टीपल वगैरह अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं नहीं इसका कोई चक्कर नहीं है अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ेंगे अब ऐसे ही आपको पार्शियल एसोसिएशन निकाल ठीक है तो जिससे पार्शियल कोरिलेशन पढ़ा था ना हमने कि एक चीज को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ पढ़ेंगे सब पॉपुलेशन सी यानी कि सी में ए और बी का आपस में क्या संबंध है सी के अंदर ठीक है इसी तरह से बी के अंदर बी सब पॉपुलेशन में मैं आपको सब पॉपुलेशन का मतलब बताता हूँ पहले ये एन है एन को पहले आपने तोड़ दिया ए और अल्फा के बीच में फिर आपने बीटा ठीक है और फिर आगे आपने किया इसको ए बी सी और ए बी गामा तो अब मैं देखना चाह रहा हूं बी और सी के बीच में क्या कोई संबंध है यहां ए बीटा सी ए बीटा गामा तो मैं अब यहां ये संबंध देख रहा हूं कि क्या बी और सी के बीच में कोई संबंध है
ठीक है, कहाँ देख रहा, इसी तरह से अल्फा में देखेंगे। ठीक है, इसको सब पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन कौन सी है, एन। एन में से एक ग्रुप अलग कर दिया ए और एक ग्रुप अल्फा, और यहां अगर एसोसिएशन चेक करेंगे तो उसको बोलेंगे सब पॉपुलेशन। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। तो पहले मैं लिखूं, तो हम लिखेंगे एसोसिएशन, इसको पार्शियल एसोसिएशन बोलते हैं, पूरा लिखेंगे पार्शियल एसोसिएशन। ठीक है, बिटवीन एंड बी इन सब पॉपुलेशन, इन सब पॉपुलेशन सी, तीसरा जो बच गया सी। जरूरी नहीं कि ए बी का ही सी में लेना है, आप बी सी का ए में ले लो, जैसे मैं अभी ऊपर बता रहा था। ठीक है, तो कैसे करना है भाई, ए बी का, ए बी में इसलिए लिखा है क्योंकि आपने यूल का फॉर्मूला ए और बी के इसमें पढ़ा था, तो आपने क्या लिखा था फॉर्मूला जरा क्यू। ठीक है, फॉर्मूला लिखो ए और बी का कौन सा था, ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई अल्फा बीटा माइनस ए बीटा। ठीक है, अल्फा बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस करके ए बी अल्फा बीटा बी। लेकिन ये संबंध कहाँ आ रहा है, कौन सी पॉपुलेशन में, पहले इनका सब ग्रुप हमने सी और गामा में अलग अलग कर दिया है, तो सीमा जो इसमें किस में आ रहा है, सब पॉपुलेशन सी में, तो जो सब पॉपुलेशन है वो सबके साथ लगा दो, ए बी सी। ठीक है, अल्फा बीटा सी, फॉर्मूला देखो वही है, साथ में सी आ रहा है, ए बीटा सी, ए बीटा सी। ठीक है, और अल्फा भी सी, ए बी सी, नीचे तो सेम ही रहता है वैसे भी, अल्फा बीटा सी, ए बीटा सी, अल्फा बी सी। ठीक है, ये हो गया, बस हो गया बिल्कुल सिंपल सा। और इसको दिखाएंगे कैसे, क्यू ए बी, एसोसिएशन किसके बीच में, ए और बी के बीच में, डॉट सी, सब पॉपुलेशन सी, ए और बी के बीच में एसोसिएशन, सब पॉपुलेशन जहां पर है सी। आई थिंक इसमें आ गया होगा, और ये दोनों बार निकालना है, एक बार सी में भी निकाल दो इसको और एक बार गामा में भी निकालेंगे। अब गामा में कैसे लिखेंगे, पार्शियल एसोसिएशन, पार्शियल एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी इन सब पॉपुलेशन सी का उल्टा गामा। चलिए, तो कैसे लिखेंगे, क्यू ए बी का एसोसिएशन सब पॉपुलेशन गामा, तो ए बी लिखते हैं साथ में गामा, ए बी गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस ए बीटा, एक ए बीटा गामा, अल्फा बी गामा। ठीक है, और नीचे सेम यही आ जाएगा, ए बी गामा अल्फा बीटा गामा, ए बीटा गामा अल्फा बी गामा, इस तरह से दोनों में हम निकाल देते हैं। अगर अब आपका मन कर रहा है कि भी हम तो भाई बी और सी के बीच में निकालते हैं सब पॉपुलेशन अल्फा करके या ए करके, तब कैसे करते हैं, बी और सी के बीच में निकाल दो भाई सब पॉपुलेशन, अगर ए है तो फिर बी और सी का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, बी सी, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। ठीक है, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बी गामा बीटा सी, ये लिखते नीचे यही चीज प्लस करके आ जाती, बी सी बीटा गामा, बी गामा बीटा सी, और अब ए है सब पॉपुलेशन, तो सबके साथ ए ए लगा दो, पीछे लगाओ आगे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे लगा दो पीछे जमेगा नहीं, लो जी ये सब पॉपुलेशन ए में हो जाएगा, ब्रैकेट लगाते रहना। ठीक है, और अगर अल्फा में चाहिए अल्फा में निकल आएगा, और दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है उससे निकालना है,
उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम कंपैरिजन करते थे ए बी, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी, अगर डिवाइड बाई एन। अब यहां क्या होगा, ए बी सब पॉपुलेशन क्या है, सी, तो साथ में सी लगा दो, ए बी सी ग्रेटर देन होना चाहिए ए सी बी सी, और अब ये एन में से नहीं आ रहा है, अब ये एन को हमने तोड़ा हुआ है पहले सी और गामा में, तो सी में से आ रहा है, तो इसलिए सब पॉपुलेशन सी नीचे है, और गामा में निकालना है तो ए बी गामा ग्रेटर देन होना चाहिए ए गामा बी गामा डिवाइड बाई गामा। तो ये है पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर ये है तो नेगेटिव एसोसिएशन, ये है तो पॉजिटिव, ये है तो नेगेटिव, और इक्वल आए तो नो एसोसिएशन। इस तरह से थ्री एट्रीब्यूट्स में लगभग मैंने आपको सब तरह के टॉपिक्स करवा दिए हैं। लास्ट ये कंसिस्टेंसी और पार्शल एसोसिएशन के बचते थे, वो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दी, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस अपनी तरफ से करते रहिए जरूर, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्लियर होता चला जाएगा।